टू सैम ब्लॉग्स। दोस्तों काफी दिन से हमारा ब्लॉग नहीं आया था कि हम कहीं ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना पाए थे, तो इसी सीरीज में अब हमें मौका मिला है और हम ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मिर्जापुर। हमने सीरीज में अभी वेब सीरीज थी उसमें तो सुना ही था कि मिर्जापुर कालीन भैया, अब हम जाकर देखेंगे एक्चुअली मिर्जापुर कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी पर और हमने लखनऊ क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट। अब हम मिर्जापुर के रास्ते पे ही हैं। ये रायबरेली रोड है जो आपको लखनऊ में ही मिलेगी। लखनऊ से टच है, लखनऊ का बैकग्राउंड है, मतलब कह सकते हैं लखनऊ का जो एंड पॉइंट है उसके बाद रायबरेली चालू हो जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हमारे वीडियो ऐसे ही आके बनते रहें। हम ऑन द वे टू मिर्जापुर हैं, बट बीच में एक नदी या नहर जैसे कह सकते हैं तो वो पड़ी है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। तो हमने कहा क्यों ना एक सिनेमैटिक शॉट हो जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मिर्जापुर और अब हम जोड़ रहे हैं अपना एक और डेस्टिनेशन मिर्जापुर में, वहां विंध्यवासिनी का टेंपल। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों ऑलमोस्ट हम मंदिर आने वाले हैं विंध्यवासिनी का, जो हमने ऑलरेडी बोला था विंध्याचल में बहुत ही फेवरेट मंदिर है हिंदुओं के लिए। और ऐसा कहते हैं कि कोई मान्यता अगर मानी जाए तो यहाँ पर पूरी होती है। लेट्स होप, मैं तो पहली बार ही आया हूँ बट फीडबैक ऐसा ही मिला है। और रोड ऑलमोस्ट अच्छी थी, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं दिखा कि हाँ बहुत ही कंजस्टेड हो या बहुत कुछ हो। ऑलमोस्ट वी आर देयर, शायद 5 मिनट्स में हमने एक जगह स्टॉप लिया, यहाँ 5 मिनट्स में ही हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले ही हैं। मैं आपको एक बार फील्ड करके या फोन करके दिखाता हूँ कि हम ऑलमोस्ट मंदिर पे ही पहुंचने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। देखिए ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, बस हमें राइट टर्न लेना है और मंदिर हमारे सामने होगा। चलती फिरती रोड है पूरी और अच्छी है, ब्रॉडर रोड है, आप कार भी ले जा सकते हैं। मैं पुराने वीआईपी जो वीआईपी रोड है वहां से आया हूं, और आप अगर कार ला रहे हैं तो वहां से आ जाइए, बहुत ईजी पड़ेगा, अदरवाइज आप नए रूट से भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर प्रांगण की तरफ, और रास्ते में आपको आपकी दाएं और बाईं तरफ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहां आप प्रसाद से रिलेटेड सामान ले सकते हैं, अगर आपको कोई सेविनर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये है मंदिर प्रांगण जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो चलिए करते हैं। दोस्तों अगर अभी आप जाते हैं तो मंदिर प्रांगण में पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, चारों तरफ की आसपास की चीजें खाली करा कर तोड़ दी गई हैं और आसपास गार्डन एरिया रखने का प्रस्ताव है ताकि मंदिर की खूबसूरती में और चार चांद लगाया जा सके। तो
थोड़ी इनकन्वीनियंस तो आपको हो ही सकती है। दोस्तों जब भी आप माँ के दर्शन करेंगे थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे वैष्णो देवी जाएं तो आपको पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ेगी, या कहीं पर भी जाएं तो यहाँ पर भी ऐसा ही। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते तो VIP दर्शन के लिए आप पंडितों से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं तो दोस्तों संघर्ष करके माँ के दर्शन प्राप्त करने का अलग ही आनंद है। तो आप नॉर्मल भी लाइन में लगकर दर्शन ले सकते हैं। ये थोड़ी सी झलकियां मंदिर प्रांगण की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब मंदिर से बाहर, दर्शन के बाहर। बाहर भी आपको वैसी दुकानें मिलेंगी, कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा मिर्ज़ापुर में 5 अलग अलग बेहतरीन चीज़ें जो आप घूम सकते हैं, जिसमें पहला है माँ विंध्याचल धाम, जहाँ का ये मेन वीडियो था। दूसरा है अति प्राचीनकालीन लाल भैरव जी का मंदिर, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और लोअर खजूरी डैम, लेकिन बताना चाहूँगा बारिश के मौसम में जाएँ तो ही अच्छा होगा यहाँ पर। और अष्टभुजा देवी का मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है और उसकी सिद्धि भी है। एक और डैम है यहाँ पर टिंडा वाटरफॉल मिर्ज़ापुर में, लेकिन इसका भी वही है कि अगर आप बारिश में जाएं तो आनंद जरूर उठाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।